अल्लाह बरकात हो। सैमसंग के नोट है 2 टन का। इसका जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये 15 मिनट चल रहा है, 10 से 15 मिनट, उसके बाद इसका इंडोर आउटडोर शट डाउन हो जा रहा है। तो बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका प्रॉब्लम तो हम लोग सॉल्व कर देंगे और वीडियो भी अपलोड कर देंगे, बस आप सभी टेक्नीशियन से पूछना चाहते हैं क्या क्या कारण हो सकता है इसका और किस वजह से ये 10 मिनट 15 मिनट चलने के बाद ये शट डाउन हो जा रहा है, इंडोर आउटडोर सब क्लोज हो जा रहा है। चाहते हैं जितने मेरे न्यू टेक्नीशियन है, जस्ट एक जीके क्वेश्चन की तरह हम इसको डाल रहे हैं और इसका जो वीडियो है क्यों ऐसा हो रहा था इसको हम डाल देंगे, अभी हम अपलोड कर देंगे कुछ देर पे, ठीक है। बस इसका एक जो प्रॉब्लम है उसको हमको कमेंट में बताएं कि किस किस कारण से ऐसा हो सकता है। ये सैमसंग का 2 टन का यूनिट है, स्पीड यूनिट है, ये 10 से 15 मिनट रनिंग कर रहा है, उसके बाद जो इसका इंडोर और आउटडोर दोनों बंद हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है, क्यों हो सकता है और क्या क्या कारण हो सकता है इसका, इसके बारे किसी को भी अगर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। और हम देखना चाहते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ये बहुत माइनर प्रॉब्लम है और इसके जो इससे पहले जो टेक्नीशियन हमारे काम कर चुके हैं या फिर कोई और कंपनी या इसको अटेंड किया था काम, तो उसको इंडोर पीसीबी या आउटडोर पीसीबी चेंज कर चुका था, लेकिन फिर भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था। तो बस हम यही देखना चाहते हैं कि आप में से कितने को मालूम है अगर सैमसंग के यूनिट में इस तरह का प्रॉब्लम हो, इस तरह का प्रॉब्लम फेस आए तो उसको क्या क्या चेक करेंगे और क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। काम होता है बहुत, कोई टेक्नीशियन से न्यू टेक्नीशियन होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता काम करने में, समझ में, तो काम का मसला नहीं है, वो तो होता है, जरूरी नहीं कि हर काम हर टेक्नीशियन प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। किसी को थोड़ा कम किसी को ज़्यादा मालूम है, कोई होता कुछ यूनिट पर काम किया हुआ अच्छा रहता है या सैमसंग के यूनिट पर तो उसको अच्छा नॉलेज रहता है, जो है जो न्यू टेक्नीशियन है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है काम करने में। तो इसी तरह से ये जो कस्टमर का शिकायत था कि भाई इसका इंडोर का पीसीबी चेंज कर दिया, आउटडोर का पीसीबी चेंज कर दिया, फिर भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है और जो काम किया वो दोबारा उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, तो फिर हम लोग इसको कंप्लेंट अटेंड करने आए और इंशाल्लाह हम लोग इसको 5 से 6 मिनट में इसको हम सॉल्व करके आपको इसको रनिंग करके दिखाएंगे। लेकिन अभी बस एक क्वेश्चन है कि क्या क्या कारण से ऐसा हो सकता है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, ये 10 मिनट चल रहा है, 10 से 15 मिनट इंडोर और आउटडोर, फिर उसके बाद क्लोज हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, 10 मिनट रनिंग कर रहा, 15 मिनट, ठीक है, क्या क्या कारण हो सकता है प्लीज़ कमेंट करें इंशाल्लाह। अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसका हम फुल वीडियो अपलोड कर देंगे ट्रबल शूटिंग करते हुए, ठीक है। ये सैमसंग का यूनिट है। जिस किसी भी इस कंप्लेन के बारे मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम भी देखें कि हमारे जो व्यूज़ करते हैं चैनल को वो हमें, मतलब अगर इनसे केस हमसे कुछ बताने में गलती होता है तो हमें सलाह दे सकते हैं, इसीलिए हम बस एक छोटा जीके टाइप का बना के डाल रहे हैं। इंशाल्लाह इसका फुल वीडियो हम अपलोड कर देंगे, जो किसी को मालूम है कमेंट करें। इससे पहले भी हम एक वीडियो डालते हैं जिसको फेस का वजह से कंप्रेसर प्रॉब्लम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उसमें भी जो कमेंट आया था, बहुत सारे कमेंट आया था और अच्छे अच्छे कमेंट आया था, लगभग 99% जो कमेंट आए थे वो मतलब जो फॉल्ट था उसी रिलेटिव आए थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस वीडियो में भी फॉल्ट को आप समझ के कमेंट करेंगे और नहीं मालूम है फिर भी कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपका रिप्लाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। इसका वीडियो हम फुल अपलोड कर देंगे।